अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ओजेनेसिस। ओजेनेसिस बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास्टर लेवल का। चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो ओजेनेसिस की डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो ओजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवम की डिवेलपमेंट, उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, उसको इस काबिल बनाया जाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन के उसको किया जा सके। ठीक है, तो अगर हम सिंपली डिफाइन करते हैं तो ओजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ओवम ओगोनिया इज डिवेल्प एंड डिफरेंशिएट टू बिकम ओवम एबल टू फर्टिलाइज। राइट, अगर हम बात करते हैं ओजेनेसिस के मैकेनिज्म के बारे में तो बेटा मैकेनिज्म में आ जाता है कि ओजेनेसिस स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो होता क्या है हमारे पास कि जब फीटस की डेवलपमेंट के जो फर्स्ट 5 मंथ होते हैं उसके ड्यूरिंग क्या होता है कि जो फीटस की ओवरी होती है, यानी कि बेबी गर्ल की फीटस की जो ओवरी है उसके अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो है वो फॉर्म हो जाती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। अब वो जो फॉलिकल्स बन जाती हैं उन फॉलिकल्स के अंदर क्या चीज़ होती है, एक स्मॉल इमेच्योर ओसाइट होता है जिसको सराउंड किया होता है ऐसे करके एक स्क्वैमस लेयर फॉलिकुलर सेल्स ने। ठीक है, अब जो सेंटर में है ये हमारे पास क्या है, एक इमेच्योर ओसाइट है और ये हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स की सिंगल लेयर है। ठीक है, अब होता क्या है लेटर ऑन कि ये सब जो फॉलिकल्स होती हैं ये प्यूबर्टी तक ऐसे ही रहती हैं। ठीक है, ऐसी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं, जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आती है उस स्टेज पर क्या होती है कि इनके अंदर चेंजेस आना शुरू जाती हैं, इनकी डेवलपमेंट होती है, इनकी डिफरेंशिएशन होती है और ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद क्या होगा, रैप्चर होगा वो फॉलिकल, और उस फॉलिकल में से जो है वो सेकेंडरी ओसाइट जो है वो जो मैच्योर ओसाइट होती है वो निकलेगा और उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये सब क्या जाता है उसके मैकेनिज्म के अंदर। अगर हम बात करते हैं ओजेनेसिस के स्टेप्स के बारे में तो ओजेनेसिस के 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। द फर्स्ट इज फॉलिकुलोजेनेसिस, सेकंड वन इज ओसाइटोजेनेसिस एंड द थर्ड वन इज ओटिडोजेनेसिस। अगर हम बात करते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस की बेटा कि फॉलिकुलोजेनेसिस होता क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फॉलिकल जो है वो मैच्योर होती हैं उसको बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस की अगर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि अब ग्रैनुलोसा सेल्स क्या होते हैं, तो ग्रैनुलोसा सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स जिनसे फॉलिकल बनती होती है उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। लाइक हमारे पास ये एक फॉलिकल है, तो ये जो फॉलिकल के सेल्स होते हैं जिससे फॉलिकल बनती है उसको क्या बोलेंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स की हमारे पास टाइप्स होती हैं, तो 3 टाइप्स हैं बेसिकली। द वन इज थीका सेल, सेकंड म्यूरल सेल एंड थर्ड इज क्यूमुलस सेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास ये क्यूमुलस सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सेल्स जो कि हमारे पास जोना पैलिसिडा के डायरेक्टली अराउंड प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूमुलस सेल्स। लेट मी शो यू इन डायग्राम। ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, ये बेसिकली एक पूरा स्केच है जिसको मैं अगर आपको शो करती हूँ तो ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ओवरी है, ये सपोज ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ढेर सारी होंगी, फिनाइट नंबर होगा। देखिए यहाँ पे चंद शो की हुई है। अब हो क्या है कि डेवलपमेंट के जो फर्स्ट 3 to 5 मंथ है उसके ड्यूरिंग ये काम हो रहा है, तो इसके अंदर जो है 40,000 से 50,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट है। इन सब के अंदर ये एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि ये फर्टिलाइज हो सकते हैं प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, अब होगा क्या कि इसके अंदर जो है ये डिटाइट स्टेज है, डिटाइट का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज। जो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसे जो है ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पे जो है ये बन गया ग्रैनुलर सेल। ठीक है, ग्रैनुलर सेल क्या होता है कि दरमियान में ओगोनिया है, सराउंडिंग जो प्रेजेंट है वो हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया ना फॉलिकुलोजेनेसिस के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रैनुलर सेल्स प्रेजेंट है। अब ग्रैनुलर सेल्स की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, वो ये हम आगे जो है फर्दर से जब डिफरेंशिएशन होगी ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो ग्रैनुलर सेल्स होते हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इनकी डिवीजन लिखी हुई यहाँ पे कि ये हमारे पास, अब देखिए ये ओसाइट है दरमियान में, ये जो ग्रीन शो हो रहा है ये हमारे पास योक है, ये जो रेड कलर में है ये है जोना पैलिसिडा, और इसके जो बाहर ब्लैक वाला है वो है हमारे पास ग्रैनुलर सेल। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉलिकल नजर आ रही है आपको। अब क्या होगा, इसके बाहर जो है ये अब ऐसे कर दें, ये लाइन लगा दें, तो ये वापस एक फॉलिकल बन जाती है। ठीक है, तो इस फॉलिकल को मैं डिस्कस करूंगी। अब इस फॉलिकल से हम बात करते हैं बेसिकली कि मेरा बेटा कि जो फॉलिकल है यहाँ पे, ये देखें क्यूमुलस सेल्स मैंने कहा क्या होते हैं, तो वो सेल्स जो कि जोना पैलिसिडा की डायरेक्टली अराउंड प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्यूमुलस सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो क्यूमुलस सेल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप गौर से जरा देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इन क्यूमुलस सेल्स क्या करते हैं कि ये हमारे पास जोना पैलिसिडा के साथ
जो अंदर जो ऊसाइट है उसके साथ इनका साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, चीज़ें बाहर से अंदर आती हैं, अंदर से बाहर जाती हैं, और जब ओवुलेशन होती है तो उस वक्त क्यूमुलस सेल्स जो होते हैं ये अपने ऊसाइट के साथ ही बाहर निकल जाते हैं, फॉलिकल्स में नहीं रहते हैं। अब ये हमारे पास एक प्राइमरी फॉलिकल थी, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर फर्दर जो है वो फॉलिकुलोजेनेसिस के अंदर ही चेंजेस आएंगी, चेंजेस के रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे पास एंट्रम बनेगी, एंट्रम फॉर्मेशन होगी। वो एंट्रम क्या बनती है, यानी कि एक स्पेस बन जाएगी और ये अंदर के जो क्यूमुलस सेल्स हैं वो अंदर की तरफ धस जाएंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से हो रहा है। उसके बाद सेकेंड जो सेल की टाइप थी वो थे हमारे पास म्यूरल सेल्स। जो म्यूरल सेल्स होते हैं बेसिकली वो सेल्स हैं जो कि फॉलिकल्स के बिल्कुल ही साथ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूरल सेल्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि जब हमारे पास फॉलिकुलोजेनेसिस होती है तो ये म्यूरल सेल्स जो हैं साथ में ही चले जाते हैं, मतलब फॉलिकल के अंदर ही रह जाते हैं, ये ऊसाइट के साथ नहीं जाते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं थीका सेल्स। थीका सेल्स का काम क्या होता है कि ये हमारे पास सिग्नल की जो है वो ट्रांसडक्शन करते हैं, कुछ लाइक सिग्नल्स जो है वो बाहर से अंदर भेजते हैं, अंदर से बाहर भेजते हैं। उसके बाद एंड्रोजन की सिंथेसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं और फीटस की ओवरी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात किया हमने बेटा कि प्राइमरी फॉलिकल जो है फॉलिकुलोजेनेसिस में क्या होता है, कुछ चेंजेस आती हैं, हिस्टोलॉजिकली होती हैं, कुछ जो फंक्शनली होती हैं, तो ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगी, तो इसमें एंड्रम फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल से फिर जो है वो मेयोसिस 1-2 हुई तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाती है, टर्शरी फॉलिकल बन जाती है। टर्शरी फॉलिकल जो है उसके अंदर एंड्रम का साइज आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एंड्रम जो है वो और इंक्रीज होती जाएगी, तो ये ग्राफिन फॉलिकल इसको हम कहेंगे। ग्राफिन फॉलिकल एक वो स्टेज है जहां पे रैप्चर होना है, ठीक है। अब ये फॉलिकल रैप्चर करेगी, ये देखिए मैं रैप्चर करते दिखाया, तो ये रैप्चर किया तो ये प्राइमरी ऊसाइट जो है वो अपने क्यूमुलस सेल के साथ बाहर आ गया और पीछे फॉलिकल रह गई। ये जो फॉलिकल रह गई है ये बना देती है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी जो कि येलोइश मटेरियल होता है, और जो बाहर निकलाया जो मटेरियल उसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, और जो बाहर फॉलिकल जो थी ये कुछ इस तरह से बन जाती है, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिका, और जिसको फॉलिकल एट्रिसे भी बोलते हैं, ठीक है। हो गया मेरे बेटा, ये हमारे पास जो है वो ऊजेसिस को हमने कंप्लीट आपको डिफाइन किया है, उसको एक्सप्लेन किया है बहुत सिंपल वे के अंदर, जो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, ऊसाइटोजेनेसिस के बारे में, तो ऊसाइटोजेनेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेप होता है हमारे पास ऊजेसिस का, जिसके अंदर हमारे पास ऊसाइट की फॉर्मेशन बनती है। ऊसाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हमारे पास सबसे पहले तो था वो था हमारे पास उगोनिया, उगोनिया था, उगोनिया की जो है वो फॉर्मेशन जो है कन्वर्जन होती है ऊसाइट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऊसाइटोजेनेसिस। ये होता कब है, जब हमने कहा बर्थ होती है, बेबी बर्थ हो रही होती है, तो उसके जो है वो बर्थ से कुछ टाइम पहले फौरन या फिर फौरन बाद में जो है इसकी जो है फॉर्मेशन हो जाती है ऊसाइट की, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है मियोसिस का, ठीक है। मियोसिस ये सारा काम करवा रही होती है, और मियोसिस जो होती है वो अर्ली प्रोफेज के अंदर जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब वो जो स्टॉप हो जाती है ना, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये होती है कि इस मियोसिस को दोबारा से री इनिशिएट कौन करवाता है, तो यहां पर हमारे पास मेरा बेटा आ जाता है एलएच, ठीक है। एलएच का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है इस ऊसाइटोजेनेसिस के अंदर। अब ये हमारे पास एक फॉलिकल थी, ठीक है। यहाँ पे फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ग्रैनुलर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊसाइट था, ठीक है। यहाँ पे योक प्रेजेंट थी, यहाँ पे वापस ये सारे क्यूमुलस सेल्स मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो इनके ऊपर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेसिकली कुछ फॉलिकल के सेल्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होंगे कुछ रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के ऊपर जो है ये एलएच आके अटैच कर जाएगा। जब ये अटैचमेंट होगी तो उसके रिजल्ट में इसके अंदर जो है ऊसाइट के अंदर जो है एएमपी का जो लेवल होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। जब ये लेवल डिक्रीज करेगा तो हमारे पास मियोसिस जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, ऊसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास थर्ड स्टेप है, दैट इज ऊटिडोजेनेसिस। ऊटिडोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि ऊटिड की फॉर्मेशन होती है मेरे बेटा, और ऊटिड की जो फॉर्मेशन होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। वो जो हमारे पास प्राइमरी ऊसाइट बना है उसकी अब कन्वर्जन होगी ऊटिड के अंदर, ठीक है। और ऊटिड जो है वो बन जाएगा हमारे पास, ऊटिड हमारे पास एक मेन पॉइंट होता है। इसके ड्यूरिंग जो है वो डिक्टा 8 स्टेज आती है, वो जो मैंने बताया था कि मियोसिस स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्टा 8 स्टेज, यानी कि रेस्टिंग स्टेज। ये कब होती है, लेट फिटल लाइफ से लेके जो उसका हमारे पास प्यूबर्टी स्टेज होती है, यानी कि 12 से 13 साल तक की एज, उसके दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं डिक्टा 8 स्टेज, जिसमें कोई चेंजिंग या कुछ ऐसा वैसा नहीं होता, ठीक है। फिर हमने कहा था कि ओवम की मैचुरेशन कैसे होती है, इसको मैं आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। ये देखें इसमें हमारे पास क्या होगा, सिंपली मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे पास 2N था उगोनिया, उगोनिया जो था उसने डिवाइड किया, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है। प्राइमरी ऊसाइट ने डिवाइड किया तो बनता है हमारे पास सेकेंडरी ऊसाइट, ये बनेगी हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी। अब सेकेंडरी ऊसाइट ने डिवाइड किया तो बनेगी हमारे पास सेकेंड पोलर बॉडी, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास एन, दैट इज बेसिकली ऊटिड जो हमें चाहिए। अभी जो ऊटिड है
ये अवेलेबल है कि इसकी जो है फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जा सकती है। अब अगर हम बात करते हैं मैचुरेशन के अंदर, तो हमारे पास ये जो दो पोलर बॉडीज बनी हैं, इसके बनने की क्या रीज़न है, ये क्यों बनी, क्यों ज़रूरी है? तो ये बनना इसलिए ज़रूरी थी कि जब हमारे पास ओटिड फॉर्मेशन है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसके ड्यूरिंग अगर कोई हमारे पास एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वो इनके अंदर चला जाता है, ठीक है, जिसके जरिए जो है वो रिमूव जाता है। क्योंकि ये जो हमारे पास पोलर बॉडीज बन जाती हैं, ये हमारे पास मियोसिस के एंड पर डिस्कार्ड हो जाती हैं, ठीक है, खत्म हो जाती हैं, एंड पे जो है वो ओटिड रह जाता है और ओटिड अवेलेबल होता है कि वो जो है उसकी जो है वो की जा सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, जब स्पर्म अवेलेबल हो तो उसकी जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन करवाई जा सके। दैट वाज ऑल अबाउट रिलेटेड ओजेनेसिस। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो हो जाता है कंप्लीट। इंशाल्लाह अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इसके साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सवाल जो है वो राइट कीजिएगा। और बाकी जो है वो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।